एलेक्स कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक खेत में से कॉटन को तोड़ रही थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि ये लड़की कैनेडियन कॉटन क्लोदर्स नाम की कंपनी के लिए काम करती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इसी कंपनी के एक बड़े मॉल को देखते हैं जहाँ एक वर्कर कॉटन से बनी जीन्स को ड्रॉअर में रख रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस मॉल में कस्टमर्स की भारी भीड़ लगी है। इसी बीच हम एक वर्कर श्रुति को देखते हैं जो कि लिवी नाम की लड़की के साथ आई थी। दोनों मैनेजर क्रैक के पास जाती हैं, जहां श्रुति उससे कहती है कि लिवी यहां जॉब के लिए आई है। असल में श्रुति पहले से ही यहां जॉब करती है। इसके बाद क्रैक उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और उससे कहता है कि वो आज रात से ड्यूटी शुरू कर सकती है। आगे वो उसे हंटर नाम की एक लड़की से मिलने को कहता है जो कि उसे उसका काम समझा देगी। अब लिवी यहां काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं जीन्स में से एक जीन्स को देखते हैं जो कि खुद ही मूवमेंट कर रही है। इधर लिवी हंटर से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता और वो उसे एक वर्कर लॉर्ड के पास भेज देती है। लॉर्ड उससे कहता है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात मॉल का मालिक हैरोल्ड यहाँ आने वाला है और वो चाहता है कि उनके सारे वर्कर्स उन्हीं की कंपनी के कपड़ों में दिखें। इसके बाद लिवी यहीं से कपड़े खरीद कर पहनने चली जाती है। इसी शॉप में एक लड़की जैमा उन्ही ड्रॉअर में रखी हुई जीन्स को उठा लाती है और हंटर से कहती है कि ये मुझे काफी पसंद आ रही है। इसके बाद वो उस जीन्स को पहन लेती है। अब कुछ देर बाद क्रैग यहाँ के सारे वर्कर्स को एक जगह बुलाकर उन्हें समझाने लगता है कि हम आज रात अच्छे से काम करेंगे। वो उन्हें काम को लेकर मोटिवेट करने लगता है। तभी जैमा को जीन्स काफी टाइट लगने लगती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। क्रैग उस जीन्स को पहचान लेता है और जैमा को कॉल पर उस जीन्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे वापस आने को कहता है लेकिन वो फोन काट देती है। अब कुछ टाइम बाद यहाँ हैरोल्ड आ जाता है और सबको एक ऐसी जीन्स के बारे में बताने लगता है जो कि किसी भी साइज के इंसान को फिट आ जाएगी और वो उसे कल लॉन्च करने वाले हैं। हम समझ पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही जीन्स होती है जिसे इस टाइम जैमा ने पहन रखा है। दूसरी तरफ वॉशरूम में जैमा उसे जीन्स को उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलती। वो और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। इस वजह से जैमा को काफी दर्द भी होता है। तभी वो जीन्स इतनी टाइट हो जाती है कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और कुछ टाइम में उसकी मौत भी हो जाती है। इधर हैरोल्ड सबसे कहता है कि आज रात 12 बजे उनके मॉल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेटन ज्यूल्स आने वाली है इस जीन्स की लॉन्चिंग के लिए। वो आगे ये भी बताता है कि कल सुबह 8 बजे तक इस मॉल में लॉकडाउन रहेगा, यानी सब वर्कर यहीं रहेंगे और 8 बजे के बाद सेल शुरू होगी। दूसरी तरफ वो जीन्स जैमा की बॉडी को खुद ब खुद ठिकाने लगा देती है और फ्लोर पर पड़े खून को पीने लगती है। इधर हैरोल्ड अपने घर के लिए निकल जाता है और सबसे काम पर लगने को कहता है। खैर सब वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी क्रैग नोटिस करता है कि जैमा अभी तक वापस नहीं आई है। इस पर वो हंटर से उसे ढूंढने को कहता है। इसके बाद हंटर उसे ढूंढती हुई गर्ल्स वॉशरूम में आती है लेकिन जैमा उसे वहाँ नहीं मिलती और इस बारे में वो क्रैग को इन्फॉर्म कर देती है। तभी उसकी नजर उसी जीन्स पर पड़ती है जिसे जैमा ने पहना था। अब जैसे ही वो उस जीन्स के पास जाती है उस जीन्स का लोगो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसके बाद वो भी उस जीन्स को पहनने लगती है। तभी वो जीन्स उसके पैरों को कंट्रोल करके इधर उधर चलने लगती है और देखते ही देखते उसका सर एक हुक में जाकर लगता है, इससे उसकी भी मौत हो जाती है। जब हंटर भी लौटकर नहीं आती तब क्रैग लिवी को उन्हें ढूंढने भेजता है और उससे कहता है कि वो उसे जल्दी से इन्फॉर्म करे। इसके बाद जब लिवी वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो वहाँ के ड्रॉअर खोलकर देखती है तो उसे वहाँ जैमा की डेड बॉडी मिलती है जो कि काफी बुरी कंडीशन में थी। लिवी ये देखकर घबराने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी जीन्स को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में आकर छिप जाती है। लिवी इस बारे में क्रैग को आकर बताती है और उसे उसकी बॉडी के पास भी लेकर जाती है, लेकिन बॉडी देखकर क्रैग कोई खास रिस्पांस नहीं करता और उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। अब लिवी उससे पुलिस को बुलाने को भी कहती है लेकिन वो उसे मना करता है और कहता है कि हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते। खैर अब वो जैमा की बॉडी को एक डस्टबिन में डालकर मॉल के एक हिस्से में छिपा देते हैं। इधर लॉर्ड उसी बॉक्स को खोलने लगता है जिसमें वो जीन्स थी। फिर हम देखते हैं कि वो जीन्स लॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में करने लगती है और लॉर्ड उस जीन्स को लेकर एक रूम में पहनने चला जाता है। लिवी उसे जाते हुए देख लेती है और क्रैग को उसके बारे में बता देती है। वो लॉर्ड को
फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब जैसे ही वो जीन्स की जेब खोलता है तभी वो जीन्स उसके अंगूठे को काट कर अलग कर देती है जिसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। इसके बाद वो जीन्स उसके हाथ पर लिपट कर उसके दोनों हाथों को काट देती है और बाद में उसकी गर्दन को भी। इससे लॉर्ड भी अब मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जीन्स फ्लोर पर पड़े हुए खून को पी रही है। इधर ग्रेग काफी गुस्से में आ जाता है और अकेले ही लॉर्ड को ढूंढने जाने लगता है। उसे रास्ते में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखता है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसे उसमें लॉर्ड के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। इसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी यहाँ लेडी आ जाती है और उस बॉक्स में लॉर्ड के बॉडी पार्ट्स देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है। ग्रेग उसे चुप रहने को कहता है लेकिन लेडी उसे फिर से पुलिस को कॉल करने को कहती है। ग्रेग उसकी बात मान लेता है और चालाकी से उसके सर पर प्लास्टिक से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। खैर अब 12 बज चुके थे और यह जूल्स आ जाती है, वो इन्फ्लुएंसर। वो उस जीन्स के डिजाइन को देखकर पागल हो जाती है और ग्रेग से कहती है कि उसे इस जीन्स का एक सेट चाहिए। ग्रेग ये सुनकर जल्दी से उस जीन्स को लेने स्टोर रूम में चला जाता है। इसके बाद जूल्स अपनी लाइव वीडियो शुरू करती है। इसमें वो उस जीन्स की क्वालिटी बताने लगती है और उसका प्रमोशन करती है लेकिन तभी उसके पीछे टंगी हुई एक जीन्स उसके गले को पकड़ लेती है और बाद में उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसे मार देती है। जूल्स के क्रू को यह सब एक्टिंग लगती है लेकिन तभी वो जीन्स सबके सामने खड़ी हो जाती है। इसे देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। फिर वो जीन्स सब पर अटैक करने लगती है और उनका खून पीने लगती है। अब ग्रेग उस जीन्स को खून पीते हुए देख लेता है और डर कर ऑफिस में आ जाता है जहाँ हैरोल्ड की वाइफ मिलती है। वो उसे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर वो बताता है कि बाहर एक जीन्स सबको मार रही है लेकिन वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उसे बातें सुनाकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वो सीसीटीवी में देखता है कि जीन्स ने उस पर भी अटैक करके उसे मार दिया है। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो कि कपड़ों को स्टोर कर रही थी। इसी बीच वो एक इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है। तभी यहाँ वो जीन्स भी आ जाती है और उसी सॉन्ग पर डांस करने लगती है। वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती। कुछ देर बाद श्रुति का ब्रेक टाइम हो जाता है और वो कमरे में आकर कुछ खाने लगती है। दूसरी तरफ हम लेवी को देखते हैं जो कि किसी तरह स्टोर रूम से बाहर निकलकर उस जगह आ जाती है जहाँ जूल्स अपनी शूटिंग कर रही थी। उसे वहाँ वो कैमरा मिलता है। इससे उसे पता लग जाता है कि यहाँ के सारे मर्डर्स वही जीन्स कर रही है। इसी बीच हम उस जीन्स को देखते हैं जो कि एक प्लास्टिक वाली डमी को अपना होस्ट बना लेती है और वो अपने माथे पर खून की बिंदी भी लगाती है। इधर लेवी जल्दी से श्रुति के पास आती है और उसे जूल्स के मरने का वीडियो दिखाती है। इसे देखकर वो भी डर जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं लेकिन जब वो गेट पर पहुँचते हैं तो वो नहीं खुलता क्योंकि अभी भी हॉल में लॉकडाउन था। तभी उन्हें किराए कॉल करता है और अपने ऑफिस में आने का कहता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उसके ऑफिस में आ जाती हैं। यहाँ लेवी श्रुति को जीन्स के डांस की वीडियो दिखाती है इसमें श्रुति उसके सामने खड़ी होकर गा रही थी। लेवी को उस पर शक होता है कि वो अब भी जिंदा कैसे है। तभी वो कैमरा में देखते हैं कि वो डमी उनके रूम के बाहर आ गई है। लेवी श्रुति से कहती है कि ये शायद इंडियन है क्योंकि उसने माथे पर बिंदी लगा रखी थी। अब लिवी यहाँ श्रुति का फोन लेकर फिर से वही सॉन्ग चला देती है जिस पर वो डमी डांस भी करने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंडियन ही है। इसके बाद श्रुति उससे हिंदी में बात करती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। इस पर वो डमी एक कटे हुए हाथ से दीवार पर हिंदी में लिख कर उन्हें बताने लगती है। तभी हम वही सीन देखते हैं जब मूवी शुरू हुई थी। उस लड़की का नाम कीरत था और वो सिर्फ 13 साल की ही थी। एक दिन जब वो कॉटन लेकर जा रही थी अचानक उसका दुपट्टा कॉटन काटने वाली मशीन में चला गया जिसकी वजह से वो मशीन में गिर गई और कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लिवी कीरत की कहानी सुनकर क्रैक पर गुस्सा होने लगती है कि वो कैसे एक छोटी लड़की से काम करवा सकते हैं। फिर श्रुति उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। इस पर वो लिख कर बताती है कि उसे कीरत का इंसाफ चाहिए। इसके बाद लिवी और श्रुति कैमरा लेकर बाहर आ जाते हैं और उससे कहती है कि वो उसकी बात सबके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन तभी यहाँ क्रैग आ जाता है और एक स्प्रे लेकर डमी पर फायर कर देता है। इस वजह से वो जीन्स उस डमी से उतर कर यहाँ से चली जाती है। लिवी उस पर काफी गुस्सा होती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और क्रैग डर कर वापस से अपनी ऑफिस में छिप जाता है। इसके बाद लिवी और श्रुति उसे जीन्स के निशानों का पीछा करती हुई ड्रॉवर के पास पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि और भी जीन्स चल फिर रही है। उन्हें कोने में काफी सारी डेड बॉडीज भी दिखती है जिन पर से वो जीन्स खून पी रही थी।
थी। अब दोनों घबराकर बाहर आने लगती हैं, लेकिन तभी क्रैक वहाँ आ जाता है और उन्हें वही लॉक कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो उसे कैमरा दे दे, इसके बाद ही वो लॉक खोलेगा, लेकिन वो दोनों उसे कैमरा नहीं देती और अंदर की तरफ आ जाती है। क्रैक भी उनके पीछे आने लगता है। अब वो दोनों अलग अलग जगह पर आकर छिप जाती है। क्रैक उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ भी आ जाता है। तभी श्रुति उसके सामने आती है और उस कैमरा को फेंक देती है। तभी अचानक क्रैक चाकू से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। लिवी ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। अब वो उस कैमरा को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता, यानी वो लिवी के पास था। अब लिवी जब यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी क्रैक वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मेमोरी कार्ड मांगने लगता है। वो उससे मना करती है कि वो उसके पास नहीं है। इस पर वो उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच यहाँ काफी सारी जीन्स चलकर आने लगती हैं। इन्हें देखकर क्रैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी जीन्स उसे पकड़ लेती हैं और उसकी बॉडी के सारे मांस को खा जाती हैं। बचता है तो सिर्फ कंकाल, लेकिन वो जीन्स लिवी को कुछ नहीं कहती। फिर लिवी यहाँ से उठकर मेन हॉल में आती है, जहाँ वो कीरत वाली जीन्स से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और तभी हम देखते हैं कि सुबह के 8 बज चुके थे। मॉल के बाहर काफी सारे कस्टमर भीड़ लगाकर खड़े हैं। तभी टाइम पूरा होने पर मॉल खुलना शुरू हो जाता है। लिवी गेट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भीड़ उसे धक्का देकर अंदर आ जाती है। तभी हम देखती हैं कि लिवी का सर जमीन पर तेजी के साथ लगता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद कीरत और बाकी के जीन्स मिलकर सारे कस्टमर को मार डालती हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड लिवी के हाथों में है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।